जिस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। स्वागत प्रोग्राम हेल्थ प्लस विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज लाइव एंड ऑफ कोर्स जिस तरह हर ट्यूजडे 7 PM शार्प तुहाडे नाल जुड़ के तुहानू इस प्रोग्राम दे विच दसदे आं कि किस तरह वक् वक् जो कॉमन प्रॉब्लम्स हन शरीर दे विच फिजिकल प्रॉब्लम्स उन्हां नू तुसी फिजिकल थैरेपी दे नाल क्योर कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। तो जिते फिजिकल थैरेपी की गल आती है उत्थे डायनामिक फिजिकल थैरेपी ते उन्हां दे करते धरते डॉक्टर नलेश सोनी सानू एक बारी फिर ज्वाइन कर रहे। डॉक्टर सोनी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत, सत श्री अकाल। Welcome, Dr. Soni. Dr. Soni, first of all, tusi sanu Long Island, New York to join kare. Want to make sure ke tusi and your family and everyone is safe. There's a big hurricane that is making landfall is area de vich. So everyone is good, office is good, home is good. Yes, we are operational today, of course, because of the weather. Bahut sare sort of trees road par gire hue dikhe hain. But other than that, everybody's safe, and we function today. So, thank God. Good. And Dr. Soni, I'm glad to see sanu ek bari fir dassya sare darshakan nu that tuhade jo vak vak clinics han New York the Long Island Queens areas de vich they are open, and jithe kafi sare is tarah de medical facilities holi holi reopen kar rahe hai. Tusi bilkul reopen kar chuke ho, loki by appointment tuhade kol aa sakde hai vak vak services layi. Dr. Soni, tuhadi khasiyat of course physical therapy de various ट्रीटमेंट्स हैं, तुसी काफ़ी स्पेशलिटीज विच भी इस चीज़ नू अपने क्लिनिक्स विच ऑफर कर दे हो ट्रीटमेंट के तौर पर, तुहाड़े वक् वक् इंप्लॉई स्पेशलिस्ट तुहाड़ी टीम विच सानू दिखा चुके हैं। किस तरह की डिफरेंट यूनीक सर्विसेज तुसी प्रोवाइड कर दे हो, ते तुसी आपां ये भी कह सकते हैं कुछ स्पेशल रीहैब प्रोग्राम्स लोगों लिए क्रिएट किए हैं, जिस तरह पिछले समय आपां एक कोविड रिकवरी रीहैब शेयर की थी। ते इस तरह एक जिथे फिजिकल थैरेपी की गल आती है बहुत ही ज़्यादा कॉमन आप कह सकते हैं एलमेंट हैगी हैगी कमर या पिठ की कोई भी तरह की पेन, राइट? एंड जिस तरह लोग होर बुजुर्ग होंगे है खास करके जिथे तुहाडी एक्सपर्टीज एल्डरली ते जेरियाट्रिक फिजिकल थैरेपी दे विच भी हैगी चीज़ होर कॉमन हो जाती है। बट डॉक्टर सोनी, मैनू लगता है कि ये शायद बड़ा ऑब्वियस जिहा क्वेश्चन होएगा, बट आई नो लोग ये चीज़ नू सोच रहे हैं जिन्हां दी कमर दुख रही है, उन्होंने किसी भी तरह की बैक पेन हो रही है। बैक पेन इन्नी कॉमन क्यों हैगी, खास करके जब तुम थोड़े होर उम्र में बढ़ जाते हो, इन्नी क्यों है प्रविलेंट, इन्नी क्यों ज्यादा देखने को मिलती है पेशेंट्स के विच? आई गेस एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे जो बहन सहन है अभी विद मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारा बैठना बहुत है, और दूसरा जैसे हम पहले फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो अभी एवरीथिंग इज विद टेक्नोलॉजी एंड कंफर्ट, तो हम इतना फिजिकल वर्क नहीं करते। सो कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर फिजिकल फिटनेस, इम्प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स बाय मेंटेनिंग सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, और तीसरा मेकिंग लेस एफर्ट विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो तीनों मिलकर हमारे स्पाइन पर ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। जी। और हम खाली सिंपल पोजीशन की बात करें तो अगर हम लेटे रहे, खड़े रहे और बैठे रहे, वो तीन पोजीशन में से लेटे रहे ऑफ कोर्स स्पाइन पर कम स्ट्रेस है, खड़े रहे थोड़ा है, लेकिन बैठने पर लंबर स्पाइन जो लो बैक है उस पर सबसे ज्यादा मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है। सो दैट दोस थिंग्स आर अफेक्टिंग, इसकी अफेक्ट से हमारे स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। स्क्रीन ते तुसी वेख सकदे हो कुछ स्लाइड्स डॉक्टर सोनी साडे लई तैयार करके लैके आए इस चीज नूं होर दौरान लई। डॉक्टर सोनी दसो। हाँ जी, द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो कॉमन बैक पेन इतना कॉमन है कि अगर 10 में से 10 लोगों ने कंप्लेन की उसमें 10 में से 8 लोगों को ये बैक पेन इतना होता है कि इट टेक देम आउट ऑफ वर्क, अपना काम छोड़कर आपको उसको अटेंड करना पड़े, उतना बैक पेन होता है। हमारे प्रोफेशन में दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वी ट्रीट। इनफैक्ट
it's called the like sort of main diagnosis any physical therapy will sort of address. And back pain ka bahut hi, there are different types of back pain, right? It ranges from just a mild ache aapki spine mein to sharp pain going down your leg like a current, or wo hone par aapko baithna uthna even sona bhi mushkil ho jata hai. So the back pain itself, spine pain, ek badi range mein hota hai, from a little just simple ache to shooting pain in the back. Next please. So let's understand the spine. Hamari spine kaisi hai usko hum samjhe. तो जो आपके सामने दिखता है वो स्पाइन के हड्डियों का पिक्चर्स है, और उसमें जो ऊपर की स्पाइन जिसको बोलते हैं वो सर्वाइकल स्पाइन, बाद में आती है मिडिल बैक की स्पाइन जिसको हम थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं, फिर आती है लंबर स्पाइन जिसको लो बैक या हम लंबर स्पाइन एरिया बोलते हैं, और बिलीव इट और नॉट वी हैव द टेल स्पाइन और व्हाट वी कॉल सेक्रल स्पाइन. So these are the four parts of your spine. I'll repeat it: cervical spine, thoracic spine, lumbar or low back spine, and sacral spine. अगर आप इसमें देखते हो तो सबसे ज्यादा problem हमें lumbar spine में होता है, जो low back है. उसके बाद आता है neck का spine, and last mid back का spine. ऐसे intensity में problem होते हैं. Next please. तो स्पाइन खाली हड्डियां नहीं होती है. स्पाइन में हड्डियों के सिवा क्या क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो जो हड्डियों का जो बोन का जो ईंट है उसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. और जैसे हमारे गोडे का जोड़ होता है, मोडे का जोड़ होता है, वैसे स्पाइन का भी ज्वाइंट होता है, और वो जॉइंट को हम इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स बोलते हैं. और हर हड्डियों के बीच एक सोचो कि डंकिन डोनट की जेली डोनट है, वैसी जेली वाली कुशन होती है जिसको डिस्क बोलते हैं. और या ऑफ कोर्स डंकिन डोनट्स की डिस्क नहीं होती है, लेकिन जेली जैसी, जो डंकिन आप डंकिन डोनट का जेली डोनट खाया होगा वैसी जेली वाली गति होंगी. उसका एक ही रीजन है, वो जो एक हड्डी से दूसरे हड्डी पर जो प्रेशर गिरता है उसको उसके शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए डिस्क बनी होती है. और ये सबको अपनी जगह रखने के लिए रबर बैंड जैसे इलास्टिक बैंड होते हैं, जो जिसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं. तो उनका क्या काम है, तो आपकी हड्डी स्पाइन की हड्डियों को और उनके ज्वाइंट को अपनी जगह रखने के लिए, उनको अपनी जगह अलाइनमेंट रखने के लिए वो लिगामेंट्स काम करते हैं. एंड ऑफ कोर्स सबको मसल्स पता है, मसल्स क्या करते हैं, जैसे हमारे स्पाइन में बड़े व्हाट से स्पाइनल मसल्स होते हैं बैक के नेक के, तो वो दो चीज करते हैं. एक तो आपकी बैक को वो स्टेबिलाइज करते हैं, मींस वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, और दूसरा मूवमेंट के लिए पावर देते हैं, कि आपकी स्पाइन को मूव करने के लिए पावर देते हैं. और मसल के अलावा देयर आर अदर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड टेंडंस, वो जो मसल के जो स्प्रिंग जैसे पार्ट के जो एंड होते हैं उनको टेंडंस बोलते हैं. एंड नर्व्स को सिंपल सी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेशन की तारे बोलते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट उतरता है तार की थ्रू, वैसे नर्व्स का फंक्शन है आपके ब्रेन से स्पाइन को मैसेज देना, और उस पर स्पाइन आपके हाथ पैर को मैसेज देती है, वापस ब्रेन को कम्युनिकेट करती है. तो उसके लिए नर्व्स या वो करंट की हमें जरूरत पड़ती है. तो वैसे देखिए तो खाली अगर हम स्पाइन की बात करें तो खाली हड्डी नहीं होती. हड्डी के सिवा वो जेली डोनट जैसा डिस्क होता है, रबर बैंड जैसे लिगामेंट्स होते हैं, उसके ऊपर पावर देने के लिए मसल्स होते हैं, मसल्स के जो दो एंड होते हैं उनको टेंडन बोलते हैं, और ये सब सबको संदेशा ब्रेन के साथ काम करने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए नर्व्स होती है. तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपके स्पाइन में होते हैं. नेक्स्ट. तो बैक पेन, हम कह रहे थे कि बैक पेन क्यों हो रहा है. तो अगर आपको किसी को एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली, या कोई गिर गया, या आपको कोई वर्क रिलेटेड कोई मिसहैप हो गया, तो डेफिनेटली आपको अगर स्पाइन के एरिया में हो तो इंजरी हो सकती है. आप गिर गए
you get involved into any industrial, you know, sort of a mishap. But अगर ऐसा कुछ ना हो और आप जस्ट नॉर्मल एजिंग हो रहा है तो यूजुअली ये जो चार फैक्टर आपके स्क्रीन पर है, पुअर फिजिकल कंडीशनिंग, यानी कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं पूरा दिन एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं हैंड टू माउथ, जो हमारी एक्सरसाइज होती है हाथ को मुंह तक फुलाना, जो हम सब आई एम प्राउड टू बी देसी एंड आई लव फूड. So I can understand कि हमें difficult है जो खाना कम करना. तो खाना खाता है और उसके साथ कोई physical activity नहीं होता है, तो उससे हमें spine पर ज़्यादा load पड़ती है. दूसरा है extra weight. तो मेरी means I can relate with middle aged people. बोलते हैं कि middle aged people का वजन कहाँ बढ़ता है, तो बोलते हैं middle में means around your stomach. तो सोचो कि जो स्पाइन पर ऐसे ही ज्यादा प्रेशर है उस पर हम ज्यादा वजन मारते हैं बाय इंक्रीजिंग आवर बॉडी वेट. एंड देयर आर अदर वर्ड्स फॉर इट, सिंपल लाइक लेमेंस टर्म, लाइक यू हैव ए एक्स्ट्रा टायर ऑफ वेट अराउंड योर वेस्ट, ऐसे हम बातें करते हैं. तो ये एक्स्ट्रा वेट आपकी स्पाइन पर ज्यादा प्रेशर डालता है. तीसरा है पुअर पॉस्चर. So it's difficult to see and demonstrate just while we are facing this camera, but slouching means, yani ki aap aage jhukkar baithna, wari wari aise jhukkar baithe ho aur bahut wari tak, bahut der tak agar aap jhukkar baitho to aapki spine par alag se load girta hai. Aur sabse important, stress. Agar aapko work related, family related, money related or any other stress that can add up to your pain. Aapka kya hota hai ki agar aapko other stressful conditions se aap guzar rahe ho just life mein, to aapki sensitivity for pain increase ho jati hai, jiski wajah se aapka back pain magnify hota hai. So these are the common things what you see on your screen. These are the stuff which can be dealt without the help of medications. So we'll discuss more about it. Ji. And I think this is the key point, Dr. Soni, jo tusi sade naal share kita. First of all, thank you. Sade sare darshakan nu tusi inni jankari ditti. I'm sure oh information bahut helpful hai gi lokan layi understand karna ke todi pitch ho ki reha hai te kyun ho reha hai. Ithe ik chote ji break layi rukde hain. Dr. Soni, tusi kithe na jao te viewers tusi bhi sade naal is tarah bane raho. Tode sawal, questions, comments apa bilkul is program te live tuhanu jawab de sakde hain. Tusi call kar sakde ho, but break to us paar. ब्रेक तो बाद सारे स्वागत है. तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम हेल्थ प्लस लाइव विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, जिन्हां दे डॉक्टर नलेश सोनी सर नाल जुड़े हुए हैं. डॉक्टर सोनी, प्रोग्राम दे विच तुहाडा एक बारी फिर स्वागत. डॉक्टर सोनी, जिते फिजिकल थेरेपी की गल आती है, मैनूं लगता है जिस तरह तुसी सानूं दस रहे सी, जो बैक पेन हैगी, पिठ का दर्द, कमर का दर्द, वो खास करके साडी कम्यूनिटी विच, खास करके बुजुर्गों नूं बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. आपां कह सकते हैं सब तो कॉमन चीज़ शायद जो तुसी अपने पेशेंट्स विच देखते हो. तुसी सानू बड़े वधिया तरीके नाल थोड़ा जिहा दस्सिया कि यह क्यों हुंदी है ते किस तरह तुहाडी पिठ दी जो मतलब आपां कह सकते हैं स्ट्रक्चर है इस चीज़ नूं होण दिंदा है कि ते जो साडे मतलब लाइफ स्टाइल चॉइसिस हैं अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ नूं ज़्यादा हैल्प नहीं करते. बट डॉक्टर सोनी, जिते बैक पेन आती है, काफ़ी लोग इस चीज़ के नाल सहमत हो जाते हैं कि यह तो चलो मेरी दुखनी दुखनी है, इहदा कोई हल नहीं है, मैं थोड़ी जी दवा खा लाँ इस वेले ते हुने ले ये ठीक हो जाऊगा दर्द, बाद फिर देखी जाएगी. राइट, लोग ये नहीं समझते कि शायद इस चीज़ का कोई सोल्यूशन हो सकता है, जो कोई इन्ना वड्डा लंबा चौड़ा सर्जरी या यहोजी चीज़ नहीं हैगी, ना तुहानू डेली तौर पर दवाइया खाने की लोड़ है. आई मीन अगर आप दवाइया की साइड इफेक्ट्स की गल करिए, जिते कॉमन पेन मेडिकेशन हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट्स तुसी देखे अपने पेशेंट्स दे विच, एंड जदों सवीयर हो जाए ते उन्हां नूं आपां कह सकदे हाई लैवल पेन मेडिकेशन ते जाना पैंदा, उहदे होर वक्खरे साइड इफेक्ट्स हुंदे, एडिक्शन एंड दिस एंड दैट. सो तुहाडे एक्सपीरियंस विच सब तो पहले सानूं इह दस्सो कि जो ये मेडिकेशन हन जो लोग आम तौर पर लैना शुरू कर देंदे हैं कि ओके दर्द हैगा हुण मैं की करा, उन्हां दे तुसीं की किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखदे हो? So, let's understand कि अगर आपको इतना एक्यूट दर्द हो कि आपको नींद भी नहीं आए और आप बाथरूम भी जाने का दो बार सोचो कि बेड से उठ नहीं सको, तो डेफिनेटली
केस में मेडिकेशन लेना जरूरी है। और मैं आपके डॉक्टर आपका जो डॉक्टर की केयर में हो उनकी राय डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है लेनी, लेकिन मेरा ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में ये सजेशन है कि आपको जब भी कुछ थोड़ा सा भी बैक पेन हो तो आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेकर अपना टाइम बेसिकली टाइम पास मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अपने इफ यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी, जैसे कि आप अपने शरीर को सुनते हो, आपने क्या एक्टिविटी किया था, आपने क्या मूवमेंट किया था, आपने क्या पोजीशन मेंटेन की थी, वो अगर सब आप अच्छी तरह समझो तो आप अपने बॉडी को सिंपल अलाइनमेंट स्ट्रेंथनिंग और बेटर पॉस्चर से इम्प्रूव कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस। अभी मेडिकेशंस की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म हमने सोचो कि कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है लॉन्ग टर्म, तो दो चीज होती है, एक तो आपकी बोन्स जैसे पतली हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया, विच कैन रिजल्ट इन टू ऑस्टियोपोरोसिस, बट उसके साथ आपका वेट गेन होता है। तो हम पहले ही बात कर रहे थे कि हमारी इनएक्टिविटी के कारण, हमारी खुराक के कारण, हमारे रहन सहन के कारण हमारा वेट ऐसे भी बढ़ता जा रहा है, ऊपर से अगर कोई मेडिकेशन से ले रहे हो जिससे भी हमारा और वेट बढ़े तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और आप शिकायत करो तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको पेन कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। उससे अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि what I want to share with the viewers कि आप अपनी हेल्थ का खुद कंट्रोल करिएगा, means you get in charge of your health and take no less than 100% responsibility for getting better। अगर आपने किया तो body has so much of power, we have so much of sort of healing capability that if we listen to the body and do the right movements, do the right changes in posture, the probability of avoiding small backaches is really high। yani ki simple si cheez hai, aap kar kar dawaiya liye bina aap khud ki sambhal le sakte ho। so dr soni han ji so tusi badi like perfect tareeke naal mere next sawal da already jawab dena shuru karta hai, is karke main tanu kat rahi taaki main sawal puch saka। so eh ta jidda tusi keha hai ki jithe bahut hi zyada extreme case nahi hega tusi dawa to dur raho, jo apa over the counter kehnde hai ki jis tarah advil tusi har roz kha rahe ho, eh ho ji cheez jo matlab sirf surface te shayad tonu dard nu hata rahe ho us ले, बट जो उसका कारण है उन्होंने नहीं इतना ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं या बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, राइट। सो इस चीज़ दे विच तुसी सानू कहा है कि लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि एक्टिविटी लोगों नू हिलना चाहिए बेसिकली, ज़्यादा तुसी तुरो फिरो एक्टिव रहो, राइट। ए खास करके जिथे पिठ का कमर का दर्द की गल आती है, फिजिकल थैरेपी किस तरह की सोल्यूशन, किस तरह उस दर्द को फिजिकल थैरेपी के नाल आप कह सकते हैं रिजोल्व कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, अगर कोई वो डीप लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम नहीं हैगी। एंड ऑफकोर्स जिस तरह तुसी डिस्क्लेमर दिता है, दिस इज़ ऑल विद द गाइडेंस ऑफ जो भी थोड़े जनरल प्रैक्टिशनर है जो थोड़ी मतलब पूरी मेडिकल हिस्ट्री नू जानते हैं, राइट। सो अगर आप इन जनरल बैक पेन नू लैके फिजिकल थैरेपी की गल करते हैं, किस तरह के सोल्यूशनस खास करके थोड़े क्लीनिक्स ऑफर करते हैं लोगों नू इस बीमारी लई? तो दो तीन चीज, एक तो अगर आप हमारे पास आए बैक पेन की शिकायत लेकर तो वी हैव टू डू अ थरो फिजिकल इवैल्यूएशन जिसमें आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट, आपका पोस्चर, आपकी स्ट्रेंथ, कौन से मसल्स वीक हो गए और कौन से टाइट हो गए, और आपकी ओवरऑल आपकी स्पाइन की जो बैलेंस होती है, स्ट्रेंथ की बैलेंस, उसका हम सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन करते हैं एंड देन वी कम अप विद अ वेरी स्पेसिफिक treatment protocol just catered to your condition, and then we take help from one of our expert back pain specialists within our team, and that clinician will help you, will sort of hold your hand through the program, and aapko help karenge wo exercise seekhne mein। ek baar aapne wo exercise seekh li to uske sath aapka pain nahi badhe ya pain kam ho, उसके लिए हम फिजिकल मोडालिटीज हमारे ऑफिस में यूज करते हैं जिसमें कोई दवाइयां नहीं होती, ना कोई केमिकल्स, ना इंजेक्शन, ना दवाइयां। तो उसके बिना आपका दर्द कंट्रोल में करे और आपको
तब तक साथ दे जब तक आप खुद इंडिपेंडेंटली आपकी स्पाइन की केयर कर सके. सो दैट्स हाउ वी टेक केयर ऑफ बैक पेन. बट आई वांटेड टू शेयर मोर विद द व्यूअर्स इफ वी कैन गो बैक टू द स्लाइड्स वेयर वी लेफ्ट. जी सो ओके लेट्स गो ओवर द कौन से तरीके के बैक पेन होते हैं. जो पहले लिखा है स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन. स्ट्रेन जैसे कि ट्रेन फुट टू गरीब राइट. स्ट्रेन स्ट्रेन इज वेरी सिंपल वो मसल्स का खींच जाना आपके बैक के मसल्स का खींच जाना है. और स्प्रेन है जैसे कि रेन स्प्रेन. तो स्प्रेन में आपकी मसल्स की कुछ फाइबर्स टूट जाती है. ये टाइप के दर्द में आप घर पर रेस्ट करो थोड़ा शेक करो या यू नो कोल्ड पैक हॉट पैक करो या यू नो हैवी चीज लिफ्ट करना बंद कर दो एक दो हफ्ते के लिए. तो ये सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशंस है. ये आप खुद ठीक हो जाओगे. मसल स्पैजम्स इज अनदर रीजन यू गेट बैक पेन. वो सडन मूवमेंट से हो सकता है वो बहुत बारी एक ही पोजीशन में बैठने से हो सकता है. जैसे कि आप यहाँ से नायग्रा फॉल तक न्यूयॉर्क से नायग्रा फॉल तक एक ही यू नो सॉर्ट ऑफ मूव में गए आपने बीच में ब्रेक नहीं दिया तो आपकी बैक जकड़ जा सकती है. या आप बैठे हो चेयर में और अचानक पैन एक साइड गिर गया और आपने बहुत क्विकली ट्विस्ट कर पेन उठाने का कोशिश किया तो आपको मसल स्पैजम हो सकता है. या आप अपने ग्रैंड किड्स को उठा रहे हो एंड ग्रैंड किड आपको आपसे दूर जाने की भागने की कोशिश कर रहा है तो आपको बैक में झटका लगता है उससे मसल स्पैजम हो सकता है. बट मसल स्पैजम अगेन इफ इट इज सिवियर आपको ज्यादा हो तो यू टेक हेल्प फ्रॉम ए क्लिनिशियन जस्ट लाइक मी और एनी अदर यू नो फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजिशियन who will help you eliminate muscle spasm. उसके बाद जो आता है ruptured, herniated और slip disc. ये जो हम बात कर रहे हैं वो disc की जो मैं बता रहा था जैसे gel like structure होता है Dunkin Donut jelly donut की तरह. अगर ये हुआ तो ये घर में बैठने की बात नहीं है. इसमें से कोई भी चीज अगर हो तो पहले तो आपको इसके लिए radiological investigation से पता चलता है कि आपको हुआ है या नहीं. इसके लिए एक्सरे इनडायरेक्टली हेल्प करता है लेकिन फिर एमआरआई या यू नो कैट स्कैन डायरेक्टली बताता है कि आपको ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और उसके लिए फिर आपको सिग्निफिकेंट इलाज कराना पड़ता है. डीजेनरेटिव डिस्क. तो डीजेनरेटिव डिस्क सिंपल वर्ड्स में एज के कारण जो चेंजेस या यूज के कारण जो चेंजेस होते हैं डिस्क के स्ट्रक्चर में उससे आपको बैक पेन हो सकता है क्योंकि आपकी अलाइनमेंट चेंज होती है. एंड उसको भी अगर सही करने के लिए आपकी अलाइनमेंट देखनी पड़ती है जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट देखते हैं वैसे बैक की स्पाइन की अलाइनमेंट देखनी पड़ती है. एंड देयर इज ए स्पेसिफिक हेल्प अवेलेबल. और लास्ट स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन. जैसे कि बताया था कि वी हैव टू एक्नॉलेज एंड लर्न टू मैनेज स्ट्रेस. जी बिल्कुल. एंड आई थिंक जो स्ट्रेस वाली गल है कि वो शायद सब तो ईजी कहन ले बट सब तो डिफिकल्ट करन ले हो जाती है. बट डॉक्टर सोनी ये जो बैक पेन का टॉपिक है काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है. आई थिंक ये तो सानू होर डेफिनेटली जरूर डिस्कशंस करनी पैनियाँ ताकि लोगों को जानकारी भी होवे ताकि अगे उन्होंने जो इस चीज़ में लैके अपना डिसीजन बनाना भावें उन्होंने केयर चाहिए है अगर उन्होंने फिजिकल थेरेपी की कुछ सर्विसिज है तुम जरूर उन्हों की हेल्प कर सकते. थोड़ी सारी इनफॉर्मेशन स्क्रीन पर लिखी हुई है. मैं लोगों को भी रिमाइंड करना चाहती हाँ कि तुहाडे ऑफिसिज ना कि सिर्फ न्यूयॉर्क के वक् वक् एरियाज विच हन बट तुसी लोगों को ऑन फोन कंसल्ट भी कर सकते हो एंड उन्होंने एडवाइस दे सकते हो एंड तुसी इंश्योरेंस भी एक्सेप्ट करते हो. डॉक्टर सोनी इसी तरह मिलेंगे अगले हफ्ते तुहाडे नाल. स्टे सेफ. गुड टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम दिस ईवनिंग. एंड मैं बाकी दर्शकों इतने दसना चाहती हूँ कि साढ़े लिए इस प्रोग्राम को लैके कोई क्वेश्चन कॉमेंट्स सू लिख सकते हो info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.